सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमन सिंह, सेकंड पॉप एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो देखो, ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि अभी जो बच्चे क्लास 12th में हैं, ठीक है, उन्हें अपने नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो कि नीट 2025 में अपियरिंग होंगे, नीट 25 के लिए, ठीक है, जो 25 में अपियर करेंगे, है ना। तो आप अभी क्लास 12th में हैं, आपके साथ काफ़ी सारे चीज़ें हैं, आपका हो सकता है 11th कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है, उसमें दिक्कतें हैं, या फिर काफ़ी अच्छे से आपने 11th को डील किया हुआ है या बचा हुआ है, 11th बर्बाद हो चुका है। अभी आप 12th में हैं, 12th में भी चीज़ें आपके लिए अभी सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें, जेनेटिक्स वगैरह पढ़े हुए हो, तो आपके लिए ये सब चीज़ें भी नहीं हैं। आपका 11th भी जैसा भी बीता है उसको आपको सही करना है, ठीक है, और 12th की भी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और मतलब कि कैसे करें कि मतलब चीज़ों को हम मैनेज करके रखें। तो देखो, अभी क्या है कि अभी मैंने इसके जस्ट पहले जो एक वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने बताया था कि आप यदि ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको कैसे अपने प्रिपरेशन को अप्रोच करना है पूरे साल, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैंने काफ़ी टाइम लगाया था मैंने उसमें चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको बताने के लिए, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि मतलब मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाया है, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन जो है आपका एक मतलब बहुत बहुत मतलब कि बहुत भारी भरकम प्रोसेस नहीं है, बहुत एक आसान तरीका है, बस एक थोड़ी सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी अपने पास होनी चाहिए जिससे कि हम अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें, है ना। आपको बहुत ज़्यादा मॉड्यूल, बहुत ज़्यादा किताबें लेके नहीं चलनी है, आपको बहुत कॉन्साइज चीज़ें लेके चलनी है और बहुत तरीके से लेके चीज़ों को चलनी है, तो वो चीज़ें आपको ऐसे ही रहेंगे कि मतलब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आप बहुत लोगों से ओपिनियन लेते होंगे इस मामले में, इस बारे में कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। तो आप जिस स्टेज पे हो वो सब चीज़ें मैंने भी पार करी हैं, ठीक है, मैं भी कभी 12th में था, मैं भी कभी ड्रॉपर में था, है ना। तो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, मतलब कैसे हैं चीज़ों को यदि मैं मैनेज किया होता तो मतलब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता 12th के बाद ही अपियरिंग में ही, तो वो सारी एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ हो और आपको कैसे प्रोसीड करना है, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो, क्लास 11th के सिलेबस की जहाँ तक बात है, ठीक है, आप क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा भी परेशान नहीं होगे क्योंकि 12th में भी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए नई हैं, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को पहले से जानते हो, तो आप 12th वाली चीज़ों को ज़्यादा फोकस करोगे। इनफैक्ट वो 11th के कंपेरिजन में 12th की चीज़ें थोड़ी आसान हैं, ठीक है। 11th में मैकेनिक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है और 12th में इधर आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म आता है ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। ऑप्टिक्स वगैरह आप 10th में देखे ही रहते हो, है ना, और फिर उसके बाद 12th में जो बायो है, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक वगैरह पूरा है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी आसान है। केमिस्ट्री और बायो वो सब भी मैं अभी यूट्यूब पे आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको चीज़ें और भी आसान करूंगा, है ना, तो आपको आसानी से चीज़ें याद कराने में आपकी हेल्प करूंगा और समझाने में भी। तो क्लास 11th में अभी आपको क्या करना है, 11th के लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको यदि नहीं हुआ है, आप यदि 11th अच्छे से अटेंड किए हो, तो यदि अच्छे से यदि चीज़ों को पढ़े हो, कोचिंग वोचिंग में थे आप किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप यदि अच्छे से पढ़े हो तो सिर्फ वही चीज़ें करो, ठीक है। आपके पास जो नोट्स है सिर्फ उसी को लगाओ, उसी को बार बार फिजिक्स वगैरह में सॉल्व करो, फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में, बाकी एनसीईआरटी वगैरह बहुत ज़्यादा अभी फिजिक्स में देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको यदि 11th में चीज़ें नहीं हो पाई हैं आपसे, आपने नहीं किया है, 11th यदि थोड़ा सा बर्बाद गया है, तो आप बीच बीच में थोड़ा सा अपने लिए डेली लगभग टाइम निकालोगे कि थोड़ा सा 11th भी पढ़ते चलें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो हो जाएगा। तो आप बस क्या करो कि लेक्चर अटेंड करो, यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर हैं, मैंने बताया ही था कि फिजिक्स में आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, वो वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। तो लेक्चर अटेंड करते चलो और नोट्स बनाते चलो, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं 11th के लिए से, ठीक है। लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और नोट्स को ही थोड़ा सा रिवाइज करो, बाकी बहुत ज़्यादा ये मत फोकस करो कि मुझे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, वहाँ से कर लेनी चाहिए, तो इतना परेशान मत हो 11th के लिए, 12th पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो वही बात है कि लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और ट्राई टू रिवाइज नोट्स एंड इट्स क्वेश्चन, नोट्स में जो सवाल है आप उन्हें प्रैक्टिस करो, ठीक है। कवर 11th फिजिक्स अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस विथ 12th, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं आपको एक आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि 11th की चीज़ों को 12th के साथ कैसे कोरिलेट करना है, एक वीडियो में बनाऊंगा कि फिजिक्स के चैप्टर की सिक्वेंस क्या रखनी है, वो चीज़ आप ड्रॉपर रहोगे तब भी देखोगे, 12th वाले हो तब भी देखोगे, कि जैसे कि आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े उसी समय ग्रेविटेशन पढ़ लो, ये चीज़ें मैं बता दूंगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशन है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादातर चीज़ें हैं, पोटेंशियल फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल फील्ड, ये सब सारी चीज़ें आपकी एकदम सिमिलर चलती रहेंगी ग्रेविटेशन की और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करो तो उसी समय ग्रेविटेशन कर लो, अभी मैं आगे बता दूंगा, तो सारे चैप्टर आपके रिलेट हो जाएंगे कि 12th को कैसे 11th के साथ करते चलना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आप अपने 11th की प्रिपरेशन ऐसे भी कर सकते हो कि यदि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो तो उसमें 11th की चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी, तो जो टेस्ट सीरीज में चीज़ें आती रहेंगी उस हिसाब से 11th की चीज़ों को कवर करते जाना, ठीक है। इसके अलावा बाकी आप 12th पे ध्यान दोगे, 12th में
कोई भी लेक्चर मत छोड़ना, सारे लेक्चर अटेंड करो, सारे लेक्चर के नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता दूंगा कौन कौन से बुक्स आपको रेफर करनी है। तो अभी इधर सीरीज में कुछ वीडियोज आएंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। मैं पहले अभी नहीं बता पाया, 2024 के थोड़े से ही पहले मैंने चीजों को शुरू किया था, तो ज्यादातर चीजें मैंने नहीं शेयर करी हैं, तो अभी मैं करूंगा, ठीक है। तो जो सीक्वेंस में आपकी एक सीरीज में एक वीडियो जाएंगी, 4, 5, 6, 7, 8 वीडियो होंगी, वो आप एक बार जरूर से देख लेना, है ना। तो 12th की चीजों को आप बिल्कुल मत मिस करना, 12th की चीजें जैसे हैं वैसे ही करते रहना, ठीक है। लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कहीं से, किसी मॉड्यूल या किसी बुक से, क्योंकि चीजें आपके लिए नई है, है ना। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, यही सब चीजें हैं, लेक्चर, नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, है ना, और टेस्ट, ठीक, बस यही सब चीजें हैं, ज्यादा नहीं है। बस वही चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको हो सकता है ज्यादा लग जाए, है ना। इसके अलावा जो अभी 12th में है, इसमें दो टाइप के बच्चे आते हैं, कुछ स्कूलिंग वाले बच्चे होते हैं, कुछ नॉन स्कूलिंग वाले होते हैं। तो देखो, यदि आप नॉन स्कूलिंग बच्चे हो तो आपके पास बहुत समय है, मतलब कि इनफ टाइम रहता है। नॉन स्कूलिंग हो तो कोचिंग कर रहे होगे, तो शाम को 3 घंटे के लगभग कोचिंग रहती है, बाकी आपको आपके पास टाइम रहता है, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो आप डेली 1 से 2 घंटे निकालोगे 11th के लिए और उसको कवर करोगे, ठीक है। उसमें क्या ही करोगे, तो वही लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, नोट्स को रिवाइज करोगे। अब यदि आप स्कूलिंग बच्चे हो, ठीक है, तो कोशिश किया करो कि यदि आप मतलब नीट को लेकर थोड़ा सा ज्यादा ओरिएंटेड हो, चीजों को पढ़ाई कर रहे हो, 11th में भी आपने अच्छे से तैयारी करी है, तो कोशिश किया करो कि थोड़ा सा स्कूल को जहां हो सके वहां पे अवॉइड कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, उतना भी दिक्कत नहीं होता है, आप कर सकते हो, बाकी स्कूल वगैरह में आप जाओ, ठीक है। और अपने मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उन पे फोकस करना, है ना। इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, वो लास्ट में भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम से 1 महीने पहले, आधे महीने पहले भी आप उन चीजों को करोगे तो कवर कर ले जाओगे, बिल्कुल मत टेंशन लेना, हो जाएगा, है ना। बाकी बोर्ड की टेंशन बिल्कुल मत लो, बोर्ड आपका निकल जाएगा। यदि आपकी तैयारी नीट के लेवल की है तो आपका बोर्ड एकदम मजे मजे में निकल जाएगा। बाकी आप जो 12th में है तो 12th में चीजों को थोड़ा सा फिजिक्स में डेरिवेशन वगैरह पे ध्यान देते रहना, क्योंकि वो सिर्फ 12th में नहीं, लोगों को लगता है कि डेरिवेशन वगैरह 12th में ही सिर्फ काम आता है, नहीं, वो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फिजिक्स के लिए। यदि आपको बाकी लिखने वाली जो चीजें हैं वो आप लिख लोगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको बुक वुक आती है, उसमें आप देख लेना कि कैसे आंसर वगैरह लिखना है, वो सब उसकी टेंशन ज्यादा मत लो, ठीक है। तो स्कूलिंग बच्चे हो तो अपने आपको थोड़ा सा टाइम अपने आपको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करना होगा, थोड़ा कहीं कहीं स्कूल अवॉइड करना होगा, बाकी अपने इंस्टीट्यूट पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना, स्कूल में भी सब्जेक्ट को लेके जो आपके मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको ज्यादा अच्छे से फोकस करना, ठीक। और थोड़ा सा आपके लिए टाइम का मतलब कि मैनेजमेंट नहीं अच्छे से हो पाएगा, लेकिन कोशिश करो संडे वनडे को मतलब अच्छे से संडे को अपना आउटपुट बेस्ट देने की कोशिश करो, या फिर जिस दिन स्कूल वगैरह छोड़ो उस दिन 11th पे ज्यादा ध्यान देने, 11th पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, बाकी 12th को अच्छे से करते रहो। इसके अलावा यहाँ पे कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं वो क्लास 12th को, वही बात है कि फुल एफिशिएंसी से करेंगे, अलोंग विद क्रैश कोर्स नीडेड, ठीक है, इफ नीडेड, ठीक। तो आपका क्या है कि 11th की चीजों को आप क्रैश कोर्स के थ्रू भी कर सकते हो, और 12th की चीजों में यदि आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो जैसे कि एक चैप्टर होता है, जैसे कि मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो खत्म होते होते आधा महीना बीत जाता है, 1 महीना बीत जाता है, ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उस चैप्टर का एक क्रैश कोर्स 1-2 घंटे का कर लो, ताकि सारी चीजें आपके समराइज हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो कि जब आप 12th जब आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो चीजें थोड़ी धीरे चलती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते पढ़ाते 1 महीना बीत जाता है, तो 1 महीने में फिर चीजें ओरिएंटेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो लास्ट में आप क्रैश कोर्स अटेंड कर लेना, ठीक है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1-2 घंटे का, और उसका भी एक प्रॉपर अलग से नोट्स बना लेना और अलग से एक फार्मूला सीट बना लेना और चीजों को एक जगह पे कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बात करूं तो कवर 2 चैप्टर कॉन्सेप्ट दैट मिस्ड ड्यूरिंग क्लास, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, कई बार क्लास में अपने को नींद आ रही होती है, या फिर स्कूल से आए रहते हैं, थोड़ा थके रहते हैं, तो कई बार चीजें ओरिएंट नहीं हो पाती, पूरा चैप्टर चल रहा है, कहीं पे एक टॉपिक छूट गया, कोई मिस हो गया, या फिर कई बार तबीयत खराब हो गई तो कोचिंग छूट गया, तो जो भी चीज छूटे उसको ऑनलाइन जरूर से कवर कर लेना। ऑनलाइन आपको कहीं जाने के लिए नहीं जरूरत है, तो आपको यूट्यूब पे ही, इनफैक्ट अलग पांडे सर के चैनल पे ही सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वहीं से आप चीजों को कवर कर लेना, ठीक है। बाकी मैं जो कराऊंगा, मैं केमिस्ट्री बायो में जो चीजें कराऊंगा वो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी, ठीक है। वो मतलब कि एक तरीके से बहुत ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपको मतलब कि चीजों को ओरिएंट करेगी अच्छे से, ठीक है। जैसे कि यदि मैं बायो आपको कराऊंगा, तो बायो जो आपका कोई भी एक चैप्टर जेनेटिक्स 1 महीने तक चला क्लास में, तो मैं 1-2 घंटे में जो जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा उसमें चीजें आपको एनसीईआरटी की चीजें नोट करा दूंगा, और जो कॉन्सेप्ट मैं अपने तरीके से डिलीवर कर सकूं वो सब चीजें अच्छे से कर दूंगा, ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो जाए, ठीक है।
इसके बाद बात करें कि बुक बुक अपने को कौन कौन सी यूज करनी है, तो देखो बुक बुक जो है फिजिक्स में एक डीसी पांडे बुक आती है नीट की, नॉट जेई की नहीं, नीट की जो डीसी पांडे बुक आती है उसमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए हैं। इनफैक्ट मैंने भी वो बुक सॉल्व किया था अपने प्रिपरेटरी फेज में नीट के लिए, तो उसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए हुए हैं, लिटरली बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो आप यदि डीसी पांडे ले लेते हो बुक ट्वेल्थ में हो तो ट्वेल्थ की तो ले ही लो, उसमें जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 50-60 एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ रहे हो तो पूरे चैप्टर में 60-70-80 एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं, तो सिर्फ वही एग्जाम्पल लगाओ। एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल आपने पढ़ा, कोशिश किया, नहीं लगा, नीचे सॉल्यूशन देखा। कई बार आपको क्या होता है ना कि बार बार सॉल्यूशन देखने से भी आपको नए नए तरीके पता चलते हैं, ठीक है, और आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की जो हैबिट होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो अच्छी होती जाती है। तो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जरूर से सॉल्व करना। हालांकि अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि नीट के लिए एफिशिएंट बुक मॉड्यूल आपको कौन कौन से यूज करने चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो में आपको ज्यादा नहीं एनसीईआरटी करनी है और लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है। बायो में भी वो लेक्चर में आपको जो चीजें इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाई जा रही हैं, वो सब चीजें एकदम से अवॉइड करनी है जो एनसीईआरटी के बाहर हो, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्वेल्थ में हो तो ट्वेल्थ के एकदम मैंडेटरी है करते रहना। इनफैक्ट फिजिक्स में तो एकदम जरूरी है, फिजिक्स में आपको प्रीवियस ईयर ही करना है, और अभी एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर कैसे करना है। साल भर आपको राउंड वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। तो मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने का तरीका है, मतलब करने का तरीका था, वो यही था कि मैं 3 राउंड में पीवाईक्यू करता था। तो अभी आपको जो होल ईयर, जो एक साल अभी आपको तैयारी आपकी शुरू हुई है, तो आपको पूरे साल राउंड वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा राउंड टू और राउंड थ्री कैसे करना है पीवाईक्यू को एकदम पूरा अच्छे से कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और नोट्स की जहां तक बात है, तो भैया नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने कई बार सुन लिया कि लेक्चर और लेक्चर से बनाए हुए नोट्स ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो नोट्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बाकी आप ट्वेल्थ में हो, ठीक है, ट्वेल्थ में हो तो आप पूरे साल यही पार्ट सिलेबस टेस्ट वगैरह ही देते रहना, ठीक है। और इलेवेंथ में यहीं पे, यही जो अभी मैं कुछ देर पहले बोला था कि इलेवेंथ को अकॉर्डिंग टू टेस्ट सिलेबस कंप्लीट करते रहना, क्योंकि आपके अभी जो पार्ट टेस्ट सिलेबस इंस्टीट्यूट वाले कराएंगे उसमें क्या होगा कि बीच बीच में वो इलेवेंथ के चैप्टर्स इंक्लूड करते जाएंगे, तो आप वो इलेवेंथ के चैप्टर भी उसमें कवर करते जाना, ठीक है। जैसे ऐसे कराएंगे कि 3-4 चैप्टर ट्वेल्थ होंगे, बीच में 1-2 चैप्टर इलेवेंथ का होगा, तो वो भी उसी समय उसी हफ्ते में कवर कर लेना, ठीक है। 2 हफ्ते में 1-1 टेस्ट होता है लगभग, तो उसी तरीके से करते जाना, ठीक है। उसके बाद बोर्ड के बाद आपको लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा, तो उसमें आपको ट्वेल्थ पूरे साल इतने अच्छे से करनी है कि आपको उसमें सिर्फ ट्वेल्थ का रिवीजन करना हो और इलेवेंथ में जो छोटा छटका टॉपिक हो या फिर जो भी चीजें आपकी थोड़ी सी कमजोर हो या फिर जो भी चीजें आप कवर नहीं कर पाए हो, उन सब चीजों को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम में आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है, उसके बाद आपको लास्ट टाइम में फुल सिलेबस टेस्ट देके अपना नीट का एग्जाम लिखने, 2025 का नीट का एग्जाम लिखने आपको जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जो आप यदि ट्वेल्थ में हो तो आपको कैसे प्रोसीड करना है पूरे साल। तो वैसे तो वीडियो ये काफी बड़ा बन गया, ठीक है, लेकिन समरी वीडियो की यही है कि आपको कुछ बहुत मतलब कि लोड नहीं लेना है चीजों को, ट्वेल्थ को एकदम अच्छे से लेक्चर देख के, नोट्स बना के, प्रैक्टिस करके, पीवाईक्यू लगा के, टेस्ट के साथ चीजों को करते रहना है, और बीच बीच में इलेवेंथ के लेक्चर और नोट्स करते हैं, ठीक है, करना है, लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, नोट्स के मल्टीपल रिवीजन करें, ठीक है। और बीच बीच में आपको टाइम मिले तो आप ट्वेल्थ के साथ कर रहे हो, भाई आप इलेवेंथ के साथ करो पीवाईक्यू और टेस्ट तो दोगे ही, ठीक है। तो यही आपका पूरा प्रिपरेशन था ट्वेल्थ अपियरिंग, 12th वाले बच्चे 25 के अपियर होंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, आगे भी कुछ वीडियोज आएंगे, उसको आप जरूर से देखना, ठीक है, पीवाईक्यू वाला, बुक्स वाला, तो वो सब चीजें आप समझना और चीजों को अपना तरीके से करना। थैंक यू।